2019 का चुनावी बिगुल बज चुका है। हर पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने की जुगत में लग गई है। इसी क्रम में बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा है। जानकारी के मुताबिक मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को दलित समुदाय के लोगों से ज्यादा जुड़ने की हिदायत दी है। गौरतलब है कि भीम आर्मी की पकड़ दलित समुदाय के लोगों में तेजी से बढ़ रही है। बीते समय में भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर काफी मशहूर हो गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से चंद्रशेखर आजाद की पकड़ बढ़ रही है, उससे मायावती काफी चिंतित है। मायावती वोट बंटवारे से होने वाले नुकसान को अच्छे से समझ रही है। अगर आगामी 2019 चुनाव में चंद्रशेखर की भीम आर्मी वोट काटती है तो उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को और नुकसान बसपा को होगा। जानकारों का तो ये भी कहना है कि बीजेपी और योगी की नीतियों के अनुसार ही भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को जेल से छोड़ा गया है, ताकि चुनाव से पहले मायावती के कुनबे में सेंधमारी की जा सके। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर मायावती को भुआ भुआ करके उन्हें तगड़ा झटका देने के फिराक में है, और इसी का नतीजा है कि चंद्रशेखर की पकड़ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती वाली बहुजन समाज पार्टी से दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।